गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ राहुल रावत, स्टूडेंट ऑफ एमपीएड थर्ड सेमेस्टर। टुडे इज माय टॉपिक शॉर्टपुट टेक्निक। तो आज हम शॉर्टपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, रूल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री को लेके चलते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले ये 1896 के ओलंपिक में शामिल किया गया। तो शॉर्टपुट को ओलंपिक में 1896 ईस्वी में शामिल किया गया। इसमें पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं ने 1948 में पार्टिसिपेट किया। तो महिलाओं के शॉर्टपुट का वेट होता है 4 kg एंड पुरुषों के शॉर्टपुट का वेट होता है 7.2 kg। पुरुषों के शॉर्टपुट का व्यास होता है 110 mm से लेकर 130 mm तक। महिलाओं के शॉर्टपुट का व्यास होता है 90 mm से लेकर 110 mm तक। तो शॉर्टपुट को हम शॉर्टपुट है ये सबसे पहले एक अमेरिका के प्लेयर थे जो ये टेक्निक है, पियरे ओब्रायन टेक्निक। ये प्लेयर थे पहले, ये शॉर्टपुट फेंकते थे, ये अमेरिका के प्लेयर थे, इनके नाम पर पियरे ओब्रायन टेक्निक बनी। तो शॉर्टपुट को हम महिलाओं और पुरुषों में शामिल किया जाता है शॉर्ट जब गेम खेलते हैं। तो ये फील्ड इवेंट में इंक्लूड होता है। जो शॉर्टपुट है ये एक थ्रोइंग इवेंट है, जो एक हेप्टाथ्रॉन इवेंट होता है, एक डेकाथ्रॉन इवेंट होता है। हेप्टाथ्रॉन इवेंट में ये फर्स्ट डे होता है, ये पुरुषों के लिए होता है, फर्स्ट डे गेम होता है। और हेप्टाथ्रॉन में महिलाओं के लिए होता है, फर्स्ट डे होता है। और डेकाथ्रॉन में पुरुषों के लिए होता है, फर्स्ट डे इवेंट होता है इसका। तो हम अब मेजरमेंट की बात करते हैं। तो मेजरमेंट ये सर्कल होता है, तो लो हम सर्कल बना रहे हैं, देखो। ये सर्कल है 2.135 meter का, जिसका व्यास है। और इसके दोनों साइड में दो लाइन होती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये 75-75 centimeter की होती है, ये भी 75 centimeter की, ये भी 75 centimeter। यहाँ पे एक टेको बोर्ड लगा होता है, इसकी लंबाई होती है 1.21 meter। यहाँ से दो लाइन जाती हैं 20 meter तक, दो लाइन जाती हैं, ये 20 meter की और ये 20 meter की। जब हम शॉर्टपुट फेंकते हैं तो इनके बीचों में ही फेंकते हैं, अगर बाहर जाएगा तो फाउल हो जाएगा। तो जब हम शॉर्टपुट फेंकते हैं तो एक एंगल बनता है, एंगल होता है उसका 34.92 angle। यहाँ इसका सेंटर होता है, यहाँ से ही बनाया जाता है सर्कल। जो ये मेजरमेंट हमने बताया है, जो लाइन है, ये सभी लाइन वाइट कलर की होती हैं, सभी लाइन 5 centimeter की होती हैं। जो दो ये 20 meter तक जाती हैं, ये भी 5-5 centimeter की होती हैं। सभी लाइनें 5-5 centimeter की होती हैं। जब एक जो शॉट है उसको हम गोलाकार क्षेत्र से फेंकते हैं, और गोलाकार क्षेत्र में फेंकते हैं, इसका रेडियस मैंने बता ही दिया, 2.135 व्यास होता है इसका। जब प्लेयर खेलते हैं, जब प्लेयर शॉट करते हैं, तो 8 प्लेयर होते हैं, तो 8 प्लेयर, कम से कम 8 प्लेयर होते हैं, उनको हम 6-6 trial देते हैं, 6-6।
तो हमने आपको ये मेजरमेंट के बारे में बता दिया, तो अब हम बताते हैं आपको टेक्निक के बारे में। टेक्निक तीन होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल एंशियंट ग्रीक स्टाइल, नंबर टू पेरी ओब्रायन टेक्निक, नंबर थ्री डिस्कोपुट टेक्निक। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पेरी ओब्रायन टेक्निक के बारे में। तो पेरी ओब्रायन टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं, तो पेरी ओब्रायन टेक्निक है ये नाम एक अमेरिका के प्लेयर थे उनके नाम पर पड़ा, पेरी ओब्रायन टेक्निक। तो हम अब फेसेस के बारे में बात करते हैं। फेसेस फेस सेवन होते हैं, एक ग्रिप, सेवन फेसेस होते हैं, नंबर वन ग्रिप, नंबर टू प्लेसमेंट ऑफ द शॉट, नंबर थ्री स्टांस, नंबर फोर द ग्लैड या टी पोजीशन, नंबर फाइव द डिलीवरी बोलो फेंकना, नंबर सिक्स द रिवर्स विपरीत दिशा में गति करना, नंबर सेवन क्लियरेंस ऑफ द सर्कल वृत्त को पार करना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फेसेस के बारे में बात करते हैं। ग्रिप, ये गोला है, सपोज दैट गोला शॉट, शॉट की व्यवस्था नहीं हो पाई इसलिए हमने ईंट का ये शॉट बना लिया है, तो ये शॉट है। तो पहले हम ग्रिप कैसे करते हैं, ये फोर्थ उंगली है ना, फोर्थ उंगली को साइड में रखते हैं और एक थंब है ये ऐसे, और ये पाम सपोर्ट करता है, इसको फेंकने में पाम सपोर्ट करता है, इसको ऐसे रखते हैं। ग्रिप ये हो गई ग्रिप। ग्रिप नंबर टू प्लेसमेंट ऑफ द शॉट, इसको हम हथेली पर रखते हैं पाम पर, पाम हमको इसमें सपोर्ट करता है, ये उंगली ऐसी आती है, ऐसी रखी जाती है, एक ये है, और एक सेकंड ग्रिप होती है जो ये थंब है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है उंगलियों के अपोजिट, बिल्कुल पीछे जी पाम सपोर्ट करता है फेंकने में। नंबर तीसरा स्टांस, स्टांस कैसे लेते हैं हम आपको बताएंगे। नंबर फोर्थ ग्लाइड, ग्लाइड या टी पोजीशन, स्टांस ये हो गया स्टांस। स्टांस हो गया ये, यहाँ रखा जाता है, देखो यहाँ पे गर्दन पे एक पाउडर लगा देते हैं जिससे हमारी गर्दन छिली नहीं, ये ऐसे रखा जाता है। तो उस पर हम ये फोर्थ फेसेज है ग्लाइड या टी पोजीशन, ये टी पोजीशन है, ग्लाइड या टी पोजीशन एक ही में आई, ग्लाइड या टी पोजीशन, ये टी पोजीशन हो गया, ये टी पोजीशन हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी, बोलो कैसे फेंकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इससे मैंने सर्किल क्लियरेंस ऑफ द सर्किल कैसे पार करते हैं। तो मैं पूरे एक बार होल मेथड में बता देता हूँ। ये हो गया होल मेथड, अब मैं बाई पार्ट मेथड में बताता हूँ। ग्रिप हो गई, प्लेसमेंट ऑफ द शॉट हो गया, उसके बाद स्टांस हो गया, उसके बाद ग्लाइड या टी पोजीशन, उसके बाद डिलीवरी, गोलो कैसे फेंकते हैं, टी पोजीशन हो गई, ग्लाइड हो गई, अब आ गया डिलीवरी ऑफ द शॉट पुट, गोलो कैसे फेंकते हैं, उसके बाद रिवर्स, अब रिवर्स होंगे, गोला फेंक दिखा दिया आपको, जो ये यहाँ टेक अबाउट लगा होता है।
होता है अगर हमारा पैर एक बोर्ड से ऊपर जाता है या पार निकल जाता है तो फार में कानून हाथ में आता है, अगर हम टच करते हैं उसको एक बोर्ड को तो वो फार में कहलाता है। प्लेसमेंट ऑफ द शॉट हो गया, ये स्टांस हो गया, ये टीम पोजीशन हो गई, या ग्लाइड मान लो कोई भी मान लो, एक ही बात ग्लाइड पोजीशन ये, उसके बाद हम रिवर्स करेंगे ये बता दिया कैसे फेंकते गोले को। अब गोला हमने फेंक दिया, उसके बाद हम गोले से बाहर कैसे आते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अगर हमने गोला यहाँ से फेंक दिया है तो हम ये लाइन है 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की लाइन है, इनके बीच में से अगर हम जाते हैं तो फार में आता है। ऐसी ये लाइन है, एक ये इधर चाड़ है, इधर साइड, और ये 20 मीटर वाली लाइन है, और इधर साइड से भी हम जाते हैं अगर वो भी फाउल है, बीच में से आते हैं वो भी फाउल है, इन दो लाइन है 75-75 सेंटीमीटर की, इसके पीछे से हम जाते हैं तो वो पास है, वो फाउल नहीं कहलाएगा, इसलिए ये दो लाइन लगाई जाती है।